तो हम लोग तो बातचीत करने आए ही थे, आपको मालूम है। बातचीत हो गई सर, पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? थोड़ा कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से। अब उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही, तो आज फिर आ गए। तो आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक, मतलब अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन बता दिया कि हम लोग अब एक इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उस उनके साथ हैं। नीतीश जी ने पीएम की क्वालिटी अभी आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको, लेकिन काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करो और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है, देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।